Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. अजय मिश्रा टेनी, क्या उनका राग ऐसा काम कर रहा, कल राग ऐसा काम रहा उनका? कोई यहाँ बड़ा सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं, तो विकास कहाँ पर है? इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें पिछले 70 सालों से रही, उन्होंने लखीमपुर में कोई विकास नहीं। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में नौकरी करने चाहिए? पहले ये होता था कि ऊपर से सोर्स आया, पर्चा लिखवा के लाया और कहीं भी जॉब मिल जाती। आप कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाह थी? भ्रष्टाचार नहीं हुई है? नहीं हुई है। जो किसानों को कुचलने का जो कांड हुआ था, क्या वो मुद्दा बन रहा है? इस मुद्दे का जवाब जनता सीधे सीधे वोट से देगी। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और हम चुनाव कवर करते हुए अब पहुंच गए हैं चौथे चरण में। चौथे चरण की शुरुआत हम कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से। काफी चर्चित सीट है, चर्चा की वजह आप लोग जानते हैं। अभी 2 साल पहले एक यहाँ पर कांड हुआ था, इसमें कुछ किसान कुचल दिए गए थे और नाम आया था यहाँ के जो सांसद हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे का, आशीष मिश्रा टेनी का, वो फिलहाल जमानत में हैं। 2 बार से लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतते आ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी। इस बार फिर से एक बार वो चुनावी मैदान में हैं। अगर और पार्टी बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा मैदान में हैं और बसपा की तरफ से अंशय कालरा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो अजय मिश्रा टेनी 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में जफर अली नकवी जीते थे और उससे पहले एक यहाँ का परिवार है वो लंबे समय से राजनीति पर लखीमपुर लोकसभा सीट पर काबिज था। रवि प्रकाश वर्मा 2004, 1999, 1998 चुनाव जीते और उससे पहले 2 बार बीजेपी यहाँ पर काबिज थी और उससे पहले देखेंगे 89, 84 और 1980, इसमें भी इसी वर्मा परिवार का कब्जा काबिज था। उषा वर्मा जो कि रवि प्रकाश वर्मा की माता जी हैं, वो चुनाव लड़ती थीं, उससे पहले उनके पति बाल गोविंद वर्मा। तो लंबे समय तक यहाँ पर चुनाव लोग लड़ते रहे और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अजय कुमार टेनी लड़े थे और उनके सामने जो हमने नाम आपको बताया रवि प्रकाश वर्मा, उनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी और करीब 2,18,807 वोटों से अजय मिश्रा टेनी चुनाव जीते थे। तो लखीमपुर के लोग इस बार चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में, ये बात करेंगे। और बात करने के लिए शहर में हम आ चुके हैं और ये राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, इसके बाहर थे, अंदर काफ़ी लोग खेल कूद रहे थे तो थोड़ा हमने कहा शाम हो जाए, लोग बाहर निकलेंगे उनसे बात कर लेंगे। तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ टहलने भी आते हैं कुछ लोग तो उनको हमने रोक लिया है। देखिए बाबूजी, 2 लोग इनको रोका है, बोल रहे हैं कि एक दूसरे से, आप सीनियर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर खान है। मुनीर खान, मैं फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ रहते हैं कि मुंबई से आए? मुंबई से आया हूँ। अच्छा। रहता यही हूँ, पैदा यही हुआ हूँ। हाँ। और यहाँ फिल्में बना रहा हूँ। कौन किस तरह की फिल्में बना रहे हैं आप? बस मुद्दों पे बना रहा हूँ। अभी सबसे आखिर में हमने जो फिल्म बनाई है, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा। जिस मुहिम को हमारे अंकुर शुक्ला वैभव ने शुरू किया था, उस मुहिम को मैंने उठाया और उस पर फिल्म बनाई कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट अपॉइंट किया जाए। कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट पेशेंट्स देखते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वर्ग के हिसाब, क्षेत्र के हिसाब से, कोई एक भी कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है। नहीं है। अच्छा। इसीलिए ये अनुरोध है, मैंने उसी पर फिल्म बनाई है कि यहाँ पर नियुक्ति की जाए हार्ट के डॉक्टर की। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले यह है कि 3 लोग और हार्ट अटैक से मर गए। अच्छा। और जिनका कोई पुरसा हाल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर। अच्छा। अब बताइए आगे आने वाले समय में क्या होगा? तो हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं इलाज कराने? लखनऊ जाते हैं और कहाँ जाएंगे, बिल्कुल बीच में दम तोड़ देते हैं, कभी कमलापुर कभी सिदौली ये पहुँच करके दम तोड़ देते हैं बीच में। तो अब यहाँ पर अगर डॉक्टर है, आप बताइए, इसे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर माहेश्वरी, मैं योग और नेचुरोपैथ से हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये जो अभी मुनीर साहब सब जो कह रहे हैं, अरे हमारे गोला के विधायक जी तक दम तोड़ गए जी, ये हकीकत अरविंद गिरी जी की बात जी जी जी, ये हकीकत है। तो ये एक अंकुर शुक्ला ने काफ़ी दिनों से इसको, और नंदकिशोर मिश्रा जी ने भी इसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया, किंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं मैं आपको और बताऊं जो अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। अच्छा। वैक्सीन का वैक्सीन के बारे में साइड इफेक्ट की बातें अभी मीडिया पर बहुत चल रही है, यह एक प्रोपेगंडा है। प्रोपेगंडा है। हाँ, इसलिए कि जिस स्थिति में सूचनाएं मिल रही है उस स्थिति में 4 साल में 10 लाख में कोई एक आदमी को साइड इफेक्ट हुआ, क्या सारे ही तो मर गए? नहीं,
सभी ने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन सभी के लगी। मगर विदेशी कोर्ट में जो कंपनी है उसने ये बात एक्सेप्ट की है, भारत में एक्सेप्ट नहीं की थी, नहीं की, और फॉरेन में जाके उसने एक्सेप्ट किया कि हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। अब देखिए साइड इफेक्ट है नहीं है वो एक जांच का विषय है, वो मेडिकल टीम बता पाएगी, मगर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। पर भारत किया, पर भारत 10 लाख में एक किसी व्यक्ति का ऐसी घटना हो सकती है, मगर उन्होंने ये चीज भी आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में दिया है। एक सवाल जो लगातार ये भी उठ रहा है कि इस तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, और हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं भी हमने देखी कि लोग डांस करते करते नौजवान दौड़ते भागते हुए, तो लगातार देखिए जांच की डिमांड उठ भी रही थी कि भाई आखिर वजह क्या है, और इस बीच ये खबर आ जाना। नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है कि मतलब, लेकिन इससे पहले लगाने से पहले साइड इफेक्ट पता चलना चाहिए कि भाई इसमें साइड इफेक्ट है तो क्यों लगाए आदमी, और इसका मतलब ये क्या ज़बरदस्ती इस पर जोर दिया जा रहा है लगाने के लिए, ऐसा नहीं है। ये चर्चा का विषय है आप लोगों के बीच, मतलब आप लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर, हालांकि मैंने भी लगवाई और लगवाई तो सभी लोगों की वैक्सीन लगवाई और तुरंत मुझे भी हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, हमको भी आ गया हार्ट अटैक। कब की बात है ये? 2021 की बात है। अच्छा, अक्टूबर महीने में। आपने चेकअप कराया, क्या कारण? सीधा यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था, खाली एक गोली मुँह के नीचे रखी गई और सीधा लखनऊ हमको रेफर कर दिया गया, लखनऊ जा करके इलाज कराया। नहीं तो वहाँ क्या ऐसी कोई बात निकल के आई? हाँ, कारण निकल के आएगी, क्या वैक्सीन कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। मैंने ये आदमी के माइंड में साइकोलॉजी है ना कि भाई और लोग भी इसी से गए, हमने भी लगवाया था तो हो सकता है उसका इफेक्ट हो। तो जैसे आपने, आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया कार्डियोलॉजिस्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, और क्या बड़े मुद्दे हैं लखीमपुर के? एक तो आपने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एक भी नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफी देखे हैं यहाँ पर। देखिए वो सब सही है यहाँ पर। दूसरा आपका जो ये रोड की व्यवस्था है ना, वो बहुत जगहों पर प्रॉब्लम्स हैं, रोड बहुत अच्छी नहीं है, ये बननी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऐसे बनने चाहिए जिससे प्राथमिक जो होती है ना शिक्षा, वो लोगों को मिले, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वो नहीं है, वो लेने के लिए बाहर जाते हैं यार। हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी या गैर सरकारी? ये सब आप जो ट्वेल्थ के बाद आप लोग बताइए, मैं तो बाहर से आया हूँ। मालूम करिए कि कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है, ये ज़्यादा विवरण हम आपको दे नहीं सकते, इतना बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और होनी चाहिए, वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। क्या करते हो आकाश? सर मैं बजाज फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर सेल्स। अच्छा, बजाज फाइनेंस से फील्ड ऑपरेशन। तो जैसे कि अंकल जी लोगों ने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट की दिक्कत है, आपके हिसाब से आप नौजवान हैं, किस तरह की यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं? सर नेट कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, फ्री वाईफाई होना चाहिए पूरे शहर में। अच्छा, क्यों? क्यों, क्योंकि सर अब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से रोजगार को सिंक कर रही है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उसके लिए नेट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पर सरकार तो कह रही भाई कि सस्ता इंटरनेट है। ये नेट सर सस्ता है, लेकिन एक फ्री वाईफाई होता है तो जो आम जन है, जो पटरी वाले हैं, ये भी यूज़ कर पाएंगे। और हमारे यहाँ जो हायर इंस्टीट्यूट हैं वो डाइट है और ITI है, पॉलिटेक्निक है, उसके अलावा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। हमको LU जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। अच्छा, तो वैसा कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, बाकी आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए यहाँ पे, बस जो अभी हुआ भी है। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की आपने बात की, तो 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर? इंजीनियरिंग के, मेडिकल के? नहीं है कोई ऑप्शन यहाँ पे, नहीं बाहर हमें जाना पड़ता है। यहाँ पे केवल YT कॉलेज है जहाँ से आप BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, बस। आपने क्या पढ़ाई की है? हमने सर BA किया है। कहाँ से किया है? LU। LU लखनऊ यूनिवर्सिटी जी। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं किया है? यहाँ सर UPSC की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, UPSC की तैयारी कर, आपको देखते थे ललन टॉप पे। क्या नाम है आपका? रियाजुल्ला खान। रियाजुल्ला खान, क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ। पॉलिटिक्स में किस पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उत्कर्ष वर्मा आपके प्रत्याशी हैं जी, दे पा रहे हैं टक्कर? बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और मुद्दों की तो कमी ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कॉमन मुद्दे हैं। इसके अलावा जनपद में मुद्दे ऐसे हैं कि जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जिले की छवि खराब हुई। एक महिला की साड़ी खींची गई ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। दूसरा मुद्दा, उनके अजय मिश्रा टेनी जी जो सांसद हैं हमारे, के गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके बेटे का आरोपी है किसानों पे थार चढ़ाने का। तो
तो इससे पूरे विश्व पटल पे जिले का नाम खराब हुआ है। और हम लोग किसानों की समस्या है, ये तराई का इलाका है, यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत होती है, गन्ना किसानों का, गन्ने के रेट लगातार नहीं बढ़ाए गए हैं। सपा की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए। कितने बढ़े थे सपा की सरकार में? हर वर्ष 10-10 करके करीब 40 रुपए बढ़े थे। मायावती की सरकार में 125 रुपए बढ़े थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। नौजवान परेशान है, अगर एग्जाम भी होता है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल कर दी जाती है। तो लगातार नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं ये जनता तक आप ले जा पा रहे हैं? बिल्कुल, मैसेज करने का है। जनता जानती है, हर मुद्दे को जानती है। और इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं, जनता लड़ रही है। जनता ही फैसला देगी। 4 जून को आपको पता चलेगा कि जनता के अंदर कितना आक्रोश है इस जनपद के, क्योंकि जनता जानती है कि ये सरकार केवल जो वादे करती है, इन्होंने जो भी वादे किए, इनके चुनाव मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, एक भी वादा पिछली 10 साल की सरकार में और यहाँ की 8 साल की सरकार में एक भी वादा पूरा नहीं। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा है। क्या आपको कमियां लगी? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई, अभी तक नहीं जवाब दे पाए। इस बार के मैनिफेस्टो में है 2 करोड़ नौकरी, क्या है इस बार? आपने वो हर बार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं जी जी, तो आपने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। और विपक्ष जो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, उसका मैनिफेस्टो पढ़ा, क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो पूंजीवाद को बढ़ाने का, और ये सरकार ही पूंजीवादी है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा किसानों की और जमीनी जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनाती है। और हमारी जो मैनिफेस्टो में है किसानों का कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ करती है और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकारें किसानों का कर्ज माफ़ करती है। और ये हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी चुनाव आपको 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा। इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी धौरहरा से आनंद भदौरिया और यहां से उत्कर्ष वर्मा जीत के निकलेंगे, निश्चित। जीत के निकलेंगे निश्चित? निश्चित सर। क्या नाम भाऊ जी आपका? विनोद जैन। क्या करते हैं आप? मेरी फैक्ट्री है, व्यापार है मेरा। व्यापार है? किस चीज़ का व्यापार है आपका? प्लाईवुड। प्लाईवुड का है। कैसा चल रहा काम धाम? ठीक है सब बढ़िया। तमाम जगह जो हम सुनते हैं GST को लेकर शिकायतें, आपको लगता है GST से तो और व्यापारी वर्ग को फायदा ही हुआ? कैसे समझाइए? वो फायदा ये है कि वो सर जो बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे वो हो गए बिल्कुल जीरो। अच्छा। अगर आप रिटर्न कायदे से जो भी रिटर्न है GST 1 और GST 3 अगर आप प्रॉपर भर रहे हैं तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगी। अच्छा। आज GST को जून में 7 साल पता हो जाएंगे लगे हुए। आपको लगता है पहले के मुकाबले बेहतर? 2017 को 1 जुलाई 2017 को GST इम्पोज हुआ था, इस 30 जून 2024 को 7 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। 7 ईयर्स में जनरल व्यापारी पे कोई नोटिस नहीं है। भाई आप ढंग से भरेंगे तो नोटिस क्यों आएगा? आप GST में GST में मैं बोलना चाह रहा था, परंतु आप ये बताइए कि आप जैसे भाई साहब व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि GST ठीक है, और आपके गठबंधन के लोग कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, GST कैसे ठीक है? आप देखिए, ट्रैक्टर किसान खरीदता है उस पर GST 28% है, मर्सिडीज पे 8% है। तो ये पूंजीपतियों के लिए सहूलियत देते हैं, ये किसानों का जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उस पे 28% है और मर्सिडीज पे 8% है। आप देख लीजिए किसके लिए सरकार काम कर रही है। अभी यहाँ छोटे व्यापारी हैं, जैसे भाई साहब तो प्लाईवुड चलाते थे अंकल जी, यहाँ पे छोटे व्यापारी हैं। जब से ये रिटेल सेक्टर आया है छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है। यहाँ पे दुकान लोग खोल के बैठते हैं पूरा दिन, और किसानों के पास पैसा नहीं होने की वजह से उनकी बिक्री नहीं होती है। सारे दुकान बड़े बड़े शोरूम खाली बैठे रहते हैं, व्यापारी परेशान है ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन की वजह से, दूसरे पूंजी का जो वो है इकट्ठा होना, क्योंकि एक पूंजीपति अमेजोन का मालिक या स्पेंसर उसका मंत्रा का मालिक मुंबई में बैठ के पैसे कमा रहा है, ये छोटे दुकानदारों की भी कमर टूट गई है। छोटे दुकानदारों से कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा पूंजी को एकत्रित करने वाली नीतियां भी बनाती है और पूंजीपतियों के हिसाब से काम भी करती है। अच्छा। दूसरे यहां पे हमारे जनपद में हार्ट का डॉक्टर का अंकल जी ने अभी उठाया था प्रश्न, मुद्दे एक तो हार्ट डॉक्टर कई सालों से नहीं है। दूसरा स्कूल, प्राइवेट यहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ाने जाए, और प्राइवेट स्कूलों में ये होता है कि उनकी दुकानें भी बंद हैं, उनके ड्रेस वाले भी बंद हैं, और इतनी महंगाई है, हर साल उनके कोर्सेज चेंज होते हैं, हर साल उनके कोर्स आसमान छूते हैं। गरीबों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों में बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो सरकारी स्कूल हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। क्या करते हैं प्रदीप जी आप? मैं किसान भी हूँ व्यापारी भी। किसान भी हैं व्यापारी भी हैं। सम्मान निधि भी पाता हूँ। सम्मान निधि भी पाते हैं? कितने पाते हैं?
2000 रुपये बताता हूँ, 6000 बताता हूँ साल में। साल में 6000 रुपये आ रहे हैं जी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किसानों के यहाँ पे? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कुछ किसान जो मुझे मिले उन्होंने बताया कि गन्ना के रेट नहीं बढ़े, जैसे इन्होंने भी बताया कि गन्ना के रेट नहीं बढ़े, जो बढ़े थे मायावती के दौर में बढ़े थे, बढ़े जी, बढ़े कितने बढ़े? इस साल गन्ने के रेट भी बढ़े हैं, टाइम पे पेमेंट। आप मुझे, आपका, आपकी सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में दो टर्म होगा बीजेपी के, है ना, तो इन केंद्र के दो टर्म और राज्य के दूसरे टर्म में कितना बढ़ा है? देखिए, जहाँ तक हम पिछली सरकारों से जब खेती किसानी जुड़े हुए जी, हम खेती किसानी खेती हैं, हमारे पास 5 एकड़ की जमीन है। अच्छा। तो हम लोग गन्ना, हमारे पास मोस्टली ये गन्ने का ही बेल्ट है, और हमारे लोग के पेमेंट पिछले कार्यकाल में ऐसे होते थे कि हमारे लोग एक कार्यकाल पूरा हो जाता था लेकिन पेमेंट नहीं आता था, बुआई में पैसा भी लगा जाता था लेकिन आता नहीं था, लेकिन इस कार्यकाल में सब टाइम से हो रहा है जी। जो भाई साहब ने बताया कि रेट नहीं बढ़ने वाली बात, भाई साहब कितने बढ़े हैं मुझे बता दीजिए। 25 रुपए 7 साल में 25 रुपए बढ़े, 7 साल में 8। दो टर्म हो गए ना सरकार, कौन से दो टर्म हो गए? बीजेपी सरकार के यहाँ पर नहीं निकालेंगे आप बीच में 2 साल का? अच्छा, आप किसान है कि बीजेपी प्रवक्ता है? बीजेपी वाले तो हमको जानते नहीं होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 25 रुपए बढ़े हैं? 25 रुपए बढ़े, क्योंकि मैं किसान हूँ, व्यापारी भी हूँ। 25 नहीं 20 रुपए बढ़े हैं, 370 रुपए रेट है अब, 370 रुपए रेट है, जिसका कि अभी तक का 8 दिसंबर तक का भुगतान हुआ है, मेरे ख्याल से कम 400 से 500 करोड़ रुपया अभी खंबार खेड़ा मिलकर ऊपर। भाई साहब तो करेंगे, भाई साहब कह रहे हैं पहले रुकता था, आप नहीं रुकता? अभी भी रुकता है, मैं खुद किसान हूँ, मैं खंबार खेड़ा मिलकर किसान, 17917/126 मेरा कोड है, कृषक कोड। आप क्या कोड? आप अपना कोड बताइए, हमारा निघासन से पहले कोड बताइए। नहीं निघासन लगता, अब निघासन करना यहाँ आता ही नहीं, खंबार खेड़ा में बजा। अगर ये मेरी बात समझिएगा, जो बिल्लाया मिल है सरयू ग्रामीण मिल, उसने भी केवल जनवरी तक का भुगतान किया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। भाई साहब कह रहे हैं वो भी किसान है। हाँ। वो कह रहे हैं कि जितना रेट बढ़ा उससे वो संतुष्ट है, किसान होने के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। मेरी बात सुने, कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, राजनीति की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात होनी चाहिए सर, किसानों की। लोग जो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। पहली बात सुनिएगा, मेरे कुछ मुद्दों पे हम वोट कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई। आपको भाजपा कार्यकर्ता क्यों? नहीं, ये मतलब ये उनकी आराम से बात होगी। सबसे बड़ी नीति, रुकिए तो पहले, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, आराम आराम से बात होगी, है ना, तो लंबी बात हो जाएगी, रुकिए। अब आप भी किसान है, आप भी किसान है, आप दोनों के जरिए मैं समझना चाहता हूँ कि वाकई लखीमपुर के जो गन्ना किसान है उनके मुद्दे क्या हैं। आपने कहा कि गन्ना जो भुगतान होता है उसका पेमेंट एकदम टाइम से हो रहा है, भाई साहब कह रहे हैं टाइम से नहीं हो रहा है। भाई बजाज का, भारत के बाहर है, बजाज का उत्तर प्रदेश के बाहर है, कांग्रेस का सांसद है वो, बजाज नाम उनका, अब नाम हमको क्या पता भाई, हम किसान आदमी इतना पढ़े लिखे। राहुल बजाज की मिल है, जब से उन्होंने कोल देना, जब से उनका कोल निरस्त हुआ है, बिजली पे जो उन्होंने वो लगाए थे, प्लांट लगाए थे, पावर प्लांट, उसमें कोयला वो सप्लाई करते थे, तो मोदी जी के खिलाफ कुछ संसद में बोले, वो राज्यसभा सांसद है, क्योंकि मोदी जी के कुछ खिलाफ बोले, तो उनकी जो पट्टा था उसका कोयले का, वो खनन का पट्टा उनका निरस्त कर दिया गया, यहाँ पर उनका पावर प्रोजेक्ट बंद हो गए सब जगह, और उनका सरकार के ऊपर खुद 3-4 हजार करोड़ रुपया बकाया है। हम राजनीति करते हैं नगर में, पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के नगर उपाध्यक्ष, तो आप सही जवाब दे पाएंगे इनके जवाब का, है ना, ये कह रहे हैं कि भुगतान टाइमली नहीं हो रहा है, इनकी मानसिकता बनी है, तो पूरा पार्टी किसी भी 70 रूढ़ पार्टी के अगेंस्ट में ही पूरी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेंडम आप पूछिए, कहीं समस्याएं रहती हैं, कुछ चीनी मिलों में समस्याएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उन समस्याओं का हल भी किया, इतनी बड़ी कोरोना जैसा भैया ने बताया बीच में कोरोना आया, 20 तरीके की समस्याएं रहती, मगर उसके बाद किसानों का टाइमली पेमेंट हो रहा है, और किसान सम्मान निधि मिल रही है, ऑनलाइन हो गया, आप घर बैठ के सरकार की किसी योजना का फायदा उठा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, एक खिड़की हो गई, ये नहीं कि सेल टैक्स वाला यहाँ खड़ा है, इनकम टैक्स वाला वहाँ खड़ा है, जीएसटी वाला वहाँ खड़ा है, एक खिड़की हो गई,
भैया ऑनलाइन हो गया, जो व्यापार हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे आज वो साइकिल वाले कर रहे हैं, पान वाले कर रहे हैं। जब हम आम मतदाता के रूप में वोट डालने जाते हैं तो हम केवल दो तीन चीजें देखते हैं। देखिये ये राज्य की समस्याएं अपनी है, प्रदेश की समस्याएं हमारी अपनी है, लेकिन जब हम केंद्र में चुनने जाते हैं तो हमारा पहला मुद्दा राष्ट्रवाद है, तो हम राष्ट्रवाद पे अपना वोट दे रहे हैं। दूसरा विकास है, विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, राष्ट्रवाद और विकास जी दोनों चीज समझाइए मुझको। पहले विकास पे बात कर लेते हैं। जैसे अब एक बुजुर्ग शुरुआत में मिले, उन्होंने कहा इतना बड़ा जिला है एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। एक लड़का मुझे नौजवान मिला, उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन की जब बात आती है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो कोई यहाँ बड़ा सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो विकास कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा सुनिए सर, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें पिछले 70 सालों से रही, उन्होंने लखीमपुर में कोई विकास नहीं, हार गए ना, इसीलिए तो आप लोग हरा रहे ना उनको। हम लोग उस गड्ढे को बताइए, जो दो चीज पूछी, एक तो डॉक्टर नहीं है ठीक है, दूसरा हायर एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सांसद 2 बार से हैं, आपकी राज्य में सरकार 2 बार से, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बताइए। जहाँ तक डॉक्टर का मुद्दा है, मिशन कार्डियोलॉजिस्ट के, उसमें हम सब लोगों ने, युवाओं ने बहुत किया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पॉसिबल है कि हम अपने पार्टी के खिलाफ भी प्रश्न कर सकते। उठाया प्रश्न मैंने उठाया और यहाँ से लेके लगभग 20,000 पोस्ट कार्ड हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी को भेजे, और हमको वहाँ से हमारे यहाँ के MLC अनु गुप्ता जी ने भी सदन में ये क्वेश्चन उठाया। उसके बाद जो शासन प्रशासन द्वारा बताया गया कि अभी उस स्तर पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, बात सुन लीजिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने ऐसी कोई ना तो मेडिकल के उसमें ना तो कोई एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने क्या किया? हम लोग उन गड्ढों को पाट रहे, अभी कुछ क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा आप रुक जाइए, उनको बता रहे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कब बनना शुरू हुआ मेडिकल? इसी सरकार में मेडिकल कॉलेज हाँ, इसी सरकार मेडिकल कॉलेज। कब बनना शुरू हुआ यहाँ पर? 2 साल हुए हैं, 2 साल से बन रहा है जी। नहीं, लगभग कम्प्लीट हो, लगभग चालू नहीं हुआ है, लगभग अभी चालू नहीं हुआ, ना डॉक्टर बैठते हैं ना इलाज चालू हुआ है। सरकार की नीतियों का, जो गलत नीतियों का विरोध करे, वो इनके भाजपा वालों की नज़र में राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो वामपंथी हो जाते हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो आप वामपंथी हो गए भाई। जो गलत है उसकी तो आपको विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जैसे अग्निवीर योजना है, अगर पूर्णकालिक सैनिक कोई खत्म होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, और जो 5 साल के लिए अग्निवीर योजना चालू की गई, अगर वो शहीद होता तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, वो एम्बुलेंस की गाड़ी में आता, उसको बलिदानी कहा जाता है। क्या वो सैनिक नहीं है? क्या वो भारत का लाल नहीं है? और रही बात बेरोजगारी के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठेला खुंचा इसलिए तो बढ़ रहे हैं, इसलिए तो BA पास, MA पास, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट लेने के बाद आदमी अंडा बेच रहा है, जब बेरोजगारी है, कहीं सरकारी नौकरियां नहीं है, तभी तो पंचर बनाएंगे। अंडे नहीं बिकते थे, अंडे की बात इन्होंने रोजगार की बात की। आप लोग मुझे बताइए कि रोजगार को लेकर पिछले 5-10 साल के अंदर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है? कितने परसेंट स्वरोजगार के माध्यम माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी माननीय प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार, हमारी सरकार ने स्वरोजगार पे काम दिया, स्वरोजगार पर ध्यान दिया, और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, वो रोजगार ही है, स्वरोजगार, ये भी रोजगार है। देखिए ये इन ठेला खुंचा वाले, यहाँ आप सर्वे कर लीजिए, इनको हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए महीने, इनको लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, सारी चीजें बहुत सरलीकरण हो गया, बहुत स्मूथली, चारों तरफ रोजगार है, चारों तरफ रोजगार है। बताइए क्या नाम है आपका? विनोद पांडे। क्या सबको अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ, व्यापारी हूँ। हाँ, क्या सबको नौकरी संभव है हिंदुस्तान में? आप हमको बताइए। बिल्कुल संभव नहीं संभव है ना, तो फिर इतनी आबादी के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ये ई रिक्शा, एक मिनट, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। रिक्शा चलाते हुए आदमी को शर्म लगती थी,
आज ई रिक्शा वाला कोई ऐसा नहीं है, गर्व से चलाता है और 500 रुपए लेके जाता है। उसमें सवाल पूछिए कि यदि इनका पुत्र बीए पास होगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, वो रिक्शा चला रहा होगा तो इनके दिल पर क्या बीतेगी? अग्निवीर में भेजेंगे अपने बच्चे में भेज देंगे, पाँच साल तक नौकरी करेगा, 20 साल की आयु में भर्ती होगा, 27 साल की आयु में रिटायरमेंट आ जाएगा। एक बात कहना चाहेंगे कि जब तक शिक्षा नौकरी के बेस पे करवाई जाएगी तब तक बेरोजगारी बनी रहेगी। जब तक आप नौकरी के बेस पे पढ़ाई करवाएंगे बेरोजगारी बनी रहेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मेरा नाम, ये रेहड़ी लगी हुई मेरी गोवर्धन दूध के नाम से। एक बार इस पे कैमरा कर दीजिए जरा, इस गेट पे, हमेशा रैली होती है चुनाव के मुद्दे पे। इससे पहले अखिलेश यादव आते थे, यहाँ से लेके वहाँ तक 152 दुकानें हैं रेहड़ी, सारी दुकानें उजाड़ दी जाती थी। आज प्रधानमंत्री आके चले जाते हैं, एक दुकानदार को छुआ नहीं जाता यहाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन जैसी पोजीशन, सब घर में बैठ के खाए, छोटा दुकानदार घर में खाया, पैसा नहीं रह गया। उस छोटे दुकानदार को प्रधानमंत्री ने नगर पालिका के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये घर पे भिजवाए, और जिसने 10 हज़ार अदा कर दिया उसको 20 हज़ार दिलवाए, और जिसने 20 हज़ार अदा कर दिया उसको 50 हज़ार मिले। अब जब 50 हज़ार हम अदा कर देंगे हमको 1 लाख मिलेगा, और जब वो 1 लाख अदा होगा तो 2.5 लाख हो जाएगा वो, और जब 2.5 लाख अदा होगा तो 5 लाख मिलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है पटरी दुकानदारों के लिए, और शहर में कम से कम 5 हज़ार से ज़्यादा पटरी दुकानदार। आज के दौर में जलजीरा वाले ठेले कुछ ज़्यादा बड़े हुए हैं, कम से कम 2 हज़ार। ठीक है, तो पटरी दुकानदारों की समस्या, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये 57% है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा, नरेंद्र मोदी जैसे बैठे हैं, उसको भरोसा है कि जब तक वो है तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। रोज रोजगार करते हैं, रोज खाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत राज। सब लोग क्यों कह रहे हैं आपके पास जाओ? पता नहीं, क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। वकील? अच्छा, वकीलों के पास क्या होता है, सबकी पोल पट्टी होती है। मुझे लगता है लोग मुझे कोच के पास जाओ, उनके पास जाओ। आप मुझे मुद्दे बताइए, वकीलों के बीच किन मुद्दों की चर्चा है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर सबसे पहली चीज़ है, जो वर्तमान समय में जो पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, ठीक है, वो है बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, और जो जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत प्रमुख मुद्दे वर्तमान समय में है, और जिसपे वर्तमान सरकार, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भैया थोड़ा सुनिए तो मुझे, तो जवाब कैसे देंगे आप? जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ना, भैया लोगों का कहना है कि अभी अंकल जी भी थे, वो कह रहे थे कि सबको रोजगार तो दिया नहीं जा सकता, तो स्वरोजगार की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी 2014 में जो कैंपेनिंग कर रहे थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, तो मंच से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, केंद्र सरकार का काम है कि आप रोजगार दीजिए, ठीक है, आप रोजगार के अवसर मुहैया कराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं उन पर आप पूरी तरीके से रोक लगा दो। 10 साल में इस सरकार ने सिर्फ 70 लाख नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन करके। क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने 3rd ग्रेड के और 4th ग्रेड के और इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रही अग्निवीर की बात, अभी बहुत लोग कर रहे थे अग्निवीर की बात। 45 साल का, 50 साल का बाप नौकरी में है और 24 साल में उसका लड़का रिटायर होकर घर पे बैठ रहा है। शहीद का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा नहीं, आपने सेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सबसे बड़ी अग्निवीर योजना का साइड इफेक्ट भारत के लिए ये है कि भारत का नेपाल देश जो है ये मित्र देश है, ये चाइना का भी मित्र देश है। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट होती थी जिसमें 90% आपका नेपाली होता था, 10% हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते थे। अब यहाँ पर 5 साल के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई, तो वो जो नेपाली जो गोरखा रेजिमेंट थी वो लोग अब चाइना में भर्ती हो रहे हैं, चाइना की सेना में, तो वो हमारे खिलाफ भी तो लड़ेंगे। हम अपने दुश्मन देश को हम ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। आप क्या जवाब दें सर अग्निवीर के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, जो मेरा युवा होता है वो हाई स्कूल इंटर में ज़्यादा उत्साहित होता है,
और वो चाहता कुछ करे और वो अपने बॉडी को बिल्डिंग का भी करता है। और अगर वो बच्चा अगर हमारे अग्निवीर में जा रहा है, जैसे कि इसराइल में हर घर से एक बच्चा जाता है, अगर हमारा बच्चा जाता है और यहाँ तो वो व्यवस्था नहीं ना हर घर वाला, सर अगर चार साल वो अपने अपने को चार साल वो अपने आप को मेंटेन होने में देता है, उसके बाद मोदी जी ने कहा है कि चार साल के बाद ऐसा नहीं है कि वो हमारा बाहर हो जाएगा, उसी में से सिलेक्ट होकर सेना में जाएगा और कुछ मेरे अदर अदर मुझे सर वो मेरा बच्चा अभी नया है उसको अपने को डेवलप करने का मौका मिला है, वरना वो रोडों पे घूम रहा होता था, कहीं इधर उधर की वो कर रहा होता था, आज वो डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज, वहाँ से चार साल कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो जॉब करेगा, उसके बाद कुछ उसी से नामे वापस ले लिए जाएंगे, उनको कभी खाली नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज की डेट में अग्निवीर पे बात उठाते हैं, उनके बच्चे कहीं कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कहीं अमेरिका में पूछ रहे हैं। मैं मान्यवर से पूछ लूंगा, मेरे बच्चे कनाडा पढ़ते हैं, अब आप पूछ रहे हैं सर, भारत में जब रोजगार नहीं है, भारत में जब रोजगार नहीं तो क्या करें, तो कोई बुराई थोड़ी ना कहीं पढ़े, अच्छी बात है हम अपने बच्चों को कहीं बाहर पलायन करें, उससे बेहतर है कि हमारे देश में वो खुद काम करें, हमारे देश के लिए काम करें। आप इनसे पूछ ले, आपने अपने बच्चों को कनाडा क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि यहाँ पर रोजगार का अभाव है, रोजगार सरकारी नौकरियां नहीं है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। अब ये बताइए कितनी पुलिस भर्ती हुई, कितने लेखपाल भर्ती हुई, कितने समूह गा के भर्ती हुई, कितने समूह खा के भर्ती हुई, कितने गा के हुए, कौन बताएगा? आप बताएंगे? सब बता रहे हैं। देखिए एक समय ऐसा था जब जुगाड़ की राजनीति चलती थी, भर्ती बताइए, हम बता रहे हैं सर, उसी पे जा रहे हैं, हम उसी मुद्दे पे जा रहे हैं सर मैं उसी मुद्दे पे जा रहा हूँ। आज की डेट में जो बीटेक कर रहा है, जिसके अंदर क्षमता है, वो सिलेक्ट हो रहा है। पहले ये होता था कि ऊपर से सोर्स आया, पर्चा लिखवा के लाया और कहीं भी जॉब मिल जाती थी। कितनी छटनी हुई है सर, पिछले रिकॉर्ड देखे गए हैं, वो बाहर भी किए गए। आज अगर टैलेंट है तो टैलेंट की पूछ है सर, टैलेंट की पूछ है, टैलेंट को जॉब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे वो बेरोजगार घूम रहे, अगर पढ़ने में अच्छे हैं, टैलेंट है, इंटरव्यू बीट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मेरा बच्चा भी बाहर जा रहा था, मैंने ये पूछ रहे हैं कौन से जॉब आए वो बताइए ना, जॉब बहुत है। अब देखिए सर ऐसी चीज है, कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं दिए आपने ये बताइए, हाँ। उसके बाद बताइए कितने, आप बताओ कितनी भर्तियां आई हैं, आई नहीं। इटावा में यादव जी भैंस पे बैठे हैं, पुलिस में फूफा जी गए कितनी बार, हमारी तब देखिए भाई साहब फेल हुए हैं तो लग, हमारी तब देखिए प्लीज, फूफा जी गए मौसा जी से कहें कहें क्या कर रहा लड़का, कहें भैंसी चरा रहा तलैया में, इस समय नहुआ रहा है, कहें संगटा देवी चौकी इंचार्ज हो गए सर, वो खत्म हुआ ठीक। बीएसए ऑफिस यही लखीमपुर में चार मास्टर भैया पकड़े गए, चार मास्टर आठ जगह से तनख्वाह ले रहे हैं, अराजकता खत्म हुई है सर। जो घूसखोरी थी पैसा दे आई है 15 लाख 20 लाख नौकरी, हमने आपके बात मान ली, पर नौकरी कौन सी आई ये बताइए सर। नौकरी हम आपको बताते हैं, कुछ सेक्टर को प्राइवेटलाइजेशन किया गया तो वहाँ भी लड़के रखे गए हैं, जैसे मेट्रो बनी, मेट्रो स्टार्ट हुई, लखीमपुर मेट्रो आ गई सर, लखीमपुर की बात, अब आप यहाँ की बात कर रहे हैं, लखीमपुर मेट्रो के लायक अभी नहीं। सर जब केंद्र की राजनीति करने आए, हम केंद्र में वोट देने आए तो पूरे देश को देख रहे हैं, ना कि प्रदेश की समस्याओं को देख रहे हैं। लखीमपुर में, लखनऊ में मेट्रो कौन लाया सर? बात ये हो रही है कि कुछ क्षेत्रों को प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, सब जनता का पैसा लाइन नहीं बिछवा पाए, ये पिछले 8 सालों में मेट्रो का एक पता है, 300 करोड़ का जो होटल है उसकी भी जाँच होगी 4 जून के बाद। कौन सा होटल? 300 करोड़ का होटल कौन सा? भैया इस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, आप कभी एक बार पूछे कि इसको किसने लगाया था? इसको पूछा किसने लगाया था? नहीं लगाया था ना भैया, पूछ रहे मेट्रो बनाया किसने था, सवाल ये नहीं बनाया किसने था, बात ये चला कौन रहा है उसको, किस तरीके से चला रहा है, किस कौन सी सुविधा मिल रही है, इससे मतलब नहीं चला, एक स्टेशन भी नहीं। भर्तियां आज भी हो रही हैं, हम बता रहे हैं भर्तियां कहाँ हो रही हैं सर, भर्तियां आज भी हो रही हैं, जो PhD कर रहे हैं उनको डिग्री कॉलेज में नौकरी मिल रही है, जो BTC कर रहे हैं अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, जाँच हो रही है, वो BTC में भी नौकरी कर रहे हैं। जगह कितनी खाली है सरकारी विभाग में? नहीं सर वो नहीं है कि हम आप इतने सरकारी विभाग में कितने पद खाली है उत्तर प्रदेश में, ये खाली है बता दे, वो हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एक दिन में 12 यादव पीसीएस संभव है कि 12 जगह? तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में नौकरी करने चाहिए? तेजस्वी यादव का जुमला है ना, वो सत्ता में आने वाले ना वो नौकरी देने वाले, एक बात और सुन लीजिएगा सर, एक चीज और है, जो राहुल गांधी भी एक जुमला है, सुनिएगा, राहुल गांधी का भी एक जुमला है, ना किसानों का कर्जा माफ होने वाला ना वो सत्ता में आने वाले।
उनको पता है कर रहे हैं, कोई पद खाली नहीं है। कर्जा माफी तो एक बहाना है सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ यूपी में कोई पद खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं सर, रिटायर होते हैं। बताइए आप, आंकड़ा बताइए कितनी रिक्तियां, कितनी रिक्तियां खाली हैं, कितनी रिक्तियां खाली हैं पुलिस विभाग में, कितनी रिक्तियां खाली हैं केवल 33,000 पुलिस की भर्ती, क्या बात कर रहे हैं आप। 12 लाख नौकरियां विभागों में खाली है, कब भरेंगे ये, कब भरेंगे, हो सकता है 20 करोड़ में ये हो सकता है कि 12 लाख रिक्त पद पाए हो। 20 करोड़ की व्यवस्था चलाने वाला प्रदेश, 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था चलाने वाला प्रदेश क्या 12 लाख पद खाली रखेगा पत्रकार महोदय? एम्प्लॉय कितने हैं यूपी में? आप क्या कह रहे हैं? रुक जाइए, मैं ये चीज कह रहा हूँ सौरभ जी, केंद्र सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े जुमले फेंके थे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, ठीक है कि और उसका परिणाम क्या हुआ आज, क्या बोला था, बहुत अलग अलग जुमले फेंके थे। 15 लाख रोजगार का जुमला फेंका था, वो 15 लाख रुपए का जुमला फेंका था, वो तो खैर अमित शाह ने बता दिया कि ये जुमला है इनका, ठीक है। दूसरी चीज़ रोजगार पे और बहुत सारी चीज़ों पे बोला कि हम 2022 तक सबको घर दे देंगे, हम 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान उसका भार जो है वो बैंकों पे पड़ेगा, आज 2022 में किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री लाल किले से बोलना नहीं चाहता है उस चीज पर कि 2022 में सबको छत मिल जाएगी, सबको आवास मिल जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हो गई, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसानों की आय दोगुनी हुई? आय दोगुनी हुई है, उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया है, उनको 6,000 रुपए भी मिल रहे हैं, उनको खाद मिल रही है टाइम पे, जब खाद मिलेगा हमें बीज मिलेगा तो हमारी आय भी बढ़ेगी। सर फांसी लगाई, बता दो भैया इस जिले में कितने किसानों ने फांसी लगाई, ये बता रहे हैं ये हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, टिकट नहीं पाए, रूट गए, आगे मना लिया जाएगा, तो मना लिया जाएगा। आप किसकी टिकट मांग रहे हैं? एक टाइम था जब यूरिया पाने के लिए लाठियां चलती थी, पहले सिपाही खड़े करे जाते थे तब यूरिया बांटनी शुरू होती थी, आज जितना चाहो यूरिया ले लो। की बोरी उसी रेट में दी जाती है, 10 किलो खा गए पहले से, 40 किलो की बोरी कर दी। यूरिया सस्ती थी, सब्सिडी जो अत्यधिक थी, अब सब्सिडी भी खत्म की जा रही है धीरे धीरे, गैस से सब्सिडी खत्म कर दी गई। यूरिया की विदेशी ताकतें जो हमारे राष्ट्र को कमजोर करना चाहती है, विदेशी ताकतें जो हमारे राष्ट्र को कमजोर करना चाहती हर एंगल पर। क्या साजिश है उसकी? उसकी क्या साजिश है, क्या आप जानते नहीं? पता आप बताओ ना, हम बताइए, मतलब हर चीज जनता बताए, जनता तो बता तो रही 2 साल 10 साल से, जनता बता तो रही 10 साल से, अपने बताएगी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मुद्दों की, आपने क्या विदेशी साजिश, साजिश क्या है, साजिश क्या है? नारेबाजी मत करिए, आप मुद्दों पर बात करिए, बताइए क्या साजिश, मुद्दों पर साजिश, बॉर्डर पे हमारे साजिश, सबसे ज्यादा लड़ा कौन, सबसे ज्यादा शहीद कौन हुआ पूरे वर्ल्ड में, कौन भारत, तो हम भारत की बात कर रहे हैं समय, और भारत में वो आ गया बाबा बैठा है, हाँ हल्ला मचाने को हाथी निकल रहा है, हम भौंक रहे हैं क्या हो जाएगा। वो भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केवल केवल कहने का मतलब फलेंडर पे है। एक टाइम था, अब थोड़ा आपके सांसद की बात कर ले, आशीष मिश्रा टेनी 2 बार से सांसद हैं, अजय मिश्रा टेनी 2 बार से सांसद हैं वहाँ पे, क्या उनका रहा, कैसा काम कार्यकाल रहा, कैसा काम रहा उनका कार्यकाल अगर अच्छा, उन्होंने 3-4 कार्यकाल अगर अच्छा नहीं रहा तो लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज कहाँ से आया और क्या काम कराया, ओवर फ्लाई ओवर बने जो चालू हो गया वो बताइए जी, फ्लाई ओवर कैसे चालू हो गया, दो कृषि विश्वविद्यालय लखीमपुर, कृषि विद्यालय लखीमपुर में, एक सवाल मेडिकल कॉलेज, ओवर ब्रिज, और इतने बेहतरीन सुंदर पार्क बनवाए हैं उन्होंने, जो जलाशय बनवाए, जितने कचरे पड़े, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं आए जो भैया डिमांड कर रहे हैं, आपके भाजपा के नेता है, इन्होंने डिमांड की लखनऊ तक, मांग चल रही है, एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, मांग चल रही है, चलेगा कार्डियोलॉजिस्ट आएगा, हमारे सांसद जी भी और हमारी पूरी पार्टी सब प्रतिबद्ध है इसके लिए, साइकिल आगे बढ़ेगी,
भैया मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि अजय मिश्रा ट्रेनिंग के लिए क्या योगी जी यहाँ सभा करेंगे जी ऐसे में? देखिए देखिए यहाँ ये ऐसी बात करते हैं, यहाँ सभा करें न करें, यहाँ भारतीय करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं ये तो ये शीर्ष नेता तो सुनिए अभी लोग जवाब क्यों दे रहे हैं आप? चार ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। 5 तारीख में मोदी जी आ रहे हैं और अभी राजनाथ सिंह आए थे, सारी सारे पार्टी के नेता सब यही नहीं आ जाएंगे? सवाल उठा क्यों, ऐसा सवाल क्यों उठा? कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले माफी मांगेंगे? मांगेंगे गृह राज्य मंत्री होने के नाते, वो यहाँ पे गृह राज्य मंत्री हैं, बहुत बड़ा पद होता है। उस हिसाब से आपको आप लखीमपुर में कहीं डेवलपमेंट दिखा है? गृह राज्य मंत्री, आप किसी भी कैबिनेट सेंट्रल के मंत्री के जिले में या संसदीय सेट में चले जाइए, वहाँ पे यहाँ पे एक भी ट्रामा सेंटर जिसकी बात हो रही है, वेल में जो हॉस्पिटल है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया, मेडिकल कॉलेज इनकी सरकार में सैंक्शन जरूर हुआ और बन रहा है। लेकिन क्या गृह राज्य मंत्री होने के नाते, उत्तर गृह राज्य मंत्री होने के नाते क्या जनपद लखीमपुर में आपको कहीं पे आप तो क्या होना चाहते हैं, क्या विकास दिखा आपके साथ? कोई बड़ा इंस्टीट्यूट एजुकेशन के मामले में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आया हो यहाँ पे? कोई केंद्रीय विद्यालय 25 साल पुराना है, 25 साल कमरे में चलता था, एक कमरे में चलता था केंद्रीय विद्यालय, कमरे में एक कमरे में चलता था केंद्रीय विद्यालय, दो दो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, दो दो केंद्रीय विद्यालय, और इनके कार्यालय के पीछे की बात है, 25 साल से चल रहा था। कृषि विश्वविद्यालय, दो कृषि विश्वविद्यालय, दो दो कृषि विश्वविद्यालय, दो दो कृषि विद्यालय। अरे भाई ये चला भी नहीं भाई, एक कृषि विद्यालय था, कृषि विद्यालय चला नहीं पाए, उसको चलाने का हमारे सांसद जी माननीय सांसद जी ने किया, दो 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 केंद्रीय विद्यालय, एक कमरे में केंद्रीय विद्यालय चलता था, आज आप देखिए कितनी वैभवशाली बिल्डिंग बनी है, बहुत दिव्य बिल्डिंग। जिस क्षेत्र से आते हैं उससे निगासन से पचपेड़ी घाट पुल से आते हैं, वो पुल तक नहीं बनवा पाए वो। अरे ये तो समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं बनवा पाए, सेंट्रल में दो डबल इंजन की सरकार हमारी तो एक से ये कह रहे हैं कि वो पुल नहीं बनवा पाए, ठीक है। आप लखीमपुर आए होंगे, लखनऊ से आए हो, जिस तरफ से आए होंगे, लखीमपुर की सड़कें आपको कैसी लगी आप बताएं? ठीक लगी? आप फ्लाईओवर से आए, आप फ्लाईओवर से आए, देखिए मुझे थोड़ा आराम से शान, आप लोग बताइए कैसी हैं वोटर? आप लोग हैं लखीमपुर के चारों तरफ आप घुमाइए, साइकिल से लेकर चले जाइए, गाड़ी में बैठिए, पानी लेकर के बैठिए, ग्लास में छलकेगा नहीं पानी, लखीमपुर के चारों तरफ, लखीमपुर के चारों तरफ चौड़ीकरण हुए हैं, वो 2012 से 17 के बीच में हो चुके थे। जैसे जब भैया 2014 के जो 2000 2014 के पहले अगर आप यहाँ से बहराई जाते तो आपको आप जाते तो पता चला आपकी आते बढ़ जाती, आपकी आते बढ़ जाती। अगर आप ठगेरवा जाते, अगर आप ठगेरवा जाते, अगर आप, अरे भैया ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूरे 5 साल नहीं आएंगे और कुकुरमत्ती की तरह चुनाव में आ जाएंगे, 5 साल जनता का मुद्दा नहीं उठाते हैं। जैसे कह रहे हैं सवाल तो पूछ रहे थे, जैसे लोग कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में सड़कें नहीं ठीक थी, मैं बता रहा हूँ 2012 से 17 के बीच में जितनी भी सड़कें चौड़ीकरण 7 मीटर की सब बन चुकी थी, इन्होंने तो मरम्मत तक नहीं करवा पाए 7 साल में, 7 साल के बाद अब मरम्मत शुरू हुई है। 12 से 17 के दौर में आपकी सरकार में क्या हुआ था लखीमपुर? लखीमपुर में सारी रोडें बनी, सारी और जितनी बिजली की व्यवस्था दिखाई दे रही है सारे सब स्टेशन समाजवादी सरकार की देन है, और सारे पावर हाउस समाजवादी पार्टी कहीं बिजली बल्ब चलता नहीं दिखता था भैया, योगी जी के राज में 24 घंटे बिजली मिल रही है, अभी आप देखिए चल रही है, समाजवादी होती लाइट होती ना इस समय, एक भी बिजली घर योगी सरकार ने पिछले 8 साल में न लगाया है। एक भैया कैसा विकास चाहते हैं इनसे पूछिए, कैसा विकास चाहते हैं? परेशान तो सब लोग, सब लोग एक साथ मत बोलिए, 24 घंटे लाइट आ रही है। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, और जितने भ्रष्टाचारी उनको सबको पार्टी में ले लिया, और भाजपा का तो ये कर दिया कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में उतने बड़ा पद, ये वही ईमानदार इनको मौका नहीं मिला, ये वही ईमानदार इनको मौका नहीं मिला, ये वही ईमानदारी। देखिए
देखिए पर्सनल कमेंट मत करिए, आपको टिकट नहीं मिला है उसे भाई, जो उनका सवाल है उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए हम लोग पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। हमारी विचारधारा पाप से घृणा करती, पापी से नहीं। ऐसा कोई पापी होगा उसको रोक के ठोक के पीट के सही करने का काम हमारी सरकारें करती है और करती रहेंगी। पार्टी में लेने का, अरे पार्टी में लेके जैसे भी आएगा, जैसे डंडे से झंडे से जैसे आएगा वैसे उसको सही करने का काम हमारी पार्टी करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहेंगे जो ले रहे हो सही करने के लिए। हाँ तो ये वाशिंग पाउडर जो पांच कारण है सर, ये पांच कारण इनका, इन मैंने आपको ये बताया ना कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा भाजपा में पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री, अभी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, इस तरीके से कितने लोगों को किया। हेमंत सुरेन हो गए, बाकी लोग गिनती भी तुम्हारी है, वो सब कहाँ जा रहे हैं जो जेल जा रहे हैं। क्यों छोड़ी? और दूसरी चीज, इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रेजेंट में इस देश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार है उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में, यही जो दिल्ली का एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जो दिल्ली में जो शराब स्कैम हुआ, ठीक है, जिस आरोपी के बयान पर सीबीआई ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, उसी आरोपी से भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा लेती है और उसके कुछ दिन बाद ही उसकी जमानत हो जाती है। और दूसरी चीज, और इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, पहले ये प्रथा थी अपने देश में कि कोई राजनीतिक पार्टी अगर चंदा लेती थी तो उसके लिए क्या होता था कि एक लिमिट फिक्स थी कि इतने रुपए तक आप कैश ले सकते हो, इतने उसका रिकॉर्ड आपको नहीं देना है आयोग को, और एक फिक्स अमाउंट था कि उसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो वो आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सदन में जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बिल लाए तो उन्होंने कहा कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, और उसके बाद में क्या किया, आप जो चंदा दे रहा है जनता उसके बारे में जान ही नहीं सकती, ये कानून बनाया। अब उन्होंने बता दिया 2000 मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, राजीव गांधी, आई थिंक क्लियर नहीं हूँ लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन शायद बना था, राजीव गांधी फाउंडेशन कुछ बना था, उसकी जानकारी है आपको? उसमें भी आपको आप बताइए क्या है उसमें जानकारी, उसमें भी चाइना की कंपनी से कांग्रेस ने फंडिंग ली थी, उसकी ली थी किसने ली थी? मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में इलेक्टोरल अच्छा। बॉन्ड के रूप में अच्छा। नेट तब इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ है? नहीं सॉरी, मतलब जो भी हो चंदा लिया था उन्होंने। आपने उनसे सवाल पूछा, चंदा लिया, और आप जो आरोप लगा रहे हैं आपको पूरी जानकारी है नहीं उसकी? मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन ये है चंदा, गूगल पे पढ़ा है मैंने, पढ़ा है इसको, तो चंदा लिया गया। कार्रवाई, जानकारी, उसकी जानकारी नहीं ली। कार्रवाई क्या हुई सर? अभी वो कानूनी प्रक्रिया में अभी उस पर मतलब चल रहा है काम। व्हाट्सएप गैंग एक बात कहना चाहेंगे, मान्यवर वकील हैं, स्टाम्प से इनका रोज का लेना देना, देना, देना है। अच्छा मेरा कहना कि आज के समय को स्टाम्प घोटाला हुआ था ना, आज कितने हुए मोदी जी के आने के बाद स्टाम्प घोटाले कितने हुए हमें ये बताइए बस। एक स्टाम्प में पूरा काम हो जाता है, कल्लो घोटाला, सारी सरकारें जो ने सबके खिलाफ निकल चुका है, मोदी जी के खिलाफ निकाल पाए, मोदी जी के खिलाफ निकाल पाए। अगर चोर है तो एक बार क्यों छोड़ी आपने? भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी, टिकट नहीं की वर्तमान, सुनिए सही बात कह रहे हैं, मेरी सही बात पहले जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए, अवसरवादी राजनीति। मैं दीनदयाल जी, आप मुझे बोलने दो। अच्छा भाई, मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी में उस कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। और ये देखिए, यहाँ पे खड़े भाजपाई चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले लेकिन ईश्वर जानता है कि उनके दिल में कितना दुख है। ये लालच की राजनीति करते हैं या अवसरवाद की? कांग्रेस को भ्रष्टाचारी दे क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता था इसलिए किनारे कर दिया क्योंकि इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो भाजपा में आ गए हैं और वो पैसे भी मदद कर रहे हैं इसीलिए वहाँ पे वो टिकट पा रहे हैं। यानी कि अगर कांग्रेस अच्छा सारी चीजें झूठी बता रहे हैं, इन्होंने अरे इन्होंने बताया सपा शासन में सारी सड़कें बनी हुई थी। कौन सी भैया सड़कें बनी थी? आप लखीमपुर में, हम कहीं बाहर रहते हैं। मैं बताऊं, बीजेपी सरकार में कोई कुछ भी कहे, भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है, भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है, हाँ बिल्कुल शून्य है, जो नहीं हो रहा है आदमी कुछ भी बोले।
देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सपा बसपा ये बात यहाँ पे नहीं हो रही, बीजेपी बात नहीं हो रही, पर जो भी पारदर्शिता जो भी पेपर होते हैं कुछ भी होता है, अगर आप योग्य हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी। पेपर भैया पेपर नहीं, कौन सा पेपर लीक हुआ भैया? अरे भैया मेरे जवाब मांग लेता हूँ, रुकिए रुकिए तो रुकिए रुकिए, आप प्रूफ दीजिए भैया, ऐसे नहीं हवा बात मत करिए। अरे रुको तो यार, आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा पेपर लीक हो रहा है, जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, पेपर लीक हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है। अभी सुनिए, पेपर लीक पुलिस, पेपर लीक नहीं हुआ, बोल रहा हूँ। अरे एक आदमी बोली है यार, सब लोग नहीं ये बोलेंगे, आप बोलेंगे, बताइए कौन पेपर लीक पे जवाब कौन दे? आप देंगे, आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, भर्ती रद्द क्यों हुई? नहीं हाँ भर्ती पुलिस, आप बता रहे ना पुलिस वाली भर्ती, यार वो पुलिस नहीं नहीं पुलिस भर्ती जो हुई उसके तुरंत संज्ञान लिया गया, तुरंत संज्ञान लेके उसको तुरंत निरस्त किया गया, योगी जी ने कहा क्यों निरस्त? हाँ वो हुई, मतलब लीक हुआ कहीं ना कहीं से, कोई त्रुटि हुई हुआ ना? नहीं तो ऐसा पूछ रहे क्यों हुआ? नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है, अफवाह भी उड़ती हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, आप आपको सही से बताओ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं देखिए अफवाहें भी होती है, ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं, अफवाहें देखिए नहीं हुई, अफवाह आप कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाह थी, भ्रष्टाचार नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, अफवाह थी, तो योगी जी ने भर्ती निरस्त क्यों किया? नहीं तो अब उसकी जांच चल रही है ना, उसकी जांच हो रही है, वो क्लियर होगी। तो जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं आपकी सरकार, वो कौन लोग है फिर? आप कह रहे पेपर लीक कह रहे हो, सपा में नहीं थे वो? सपा में नहीं, सपा वो जैसे जो कर रहे हैं सपा के नहीं थे क्या? वो सपा के नहीं हो सकते वो? अरे हम ये कब कह रहे हैं भाजपा के हैं, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं पेपर लीक हुआ नहीं, तो जो गिरफ्तारियां हो रही पेपर लीक के नाम पर वो किन की हो रही है? नहीं नहीं मतलब हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, अगर पेपर लीक हुआ ठीक बात है, तो कह रहे हुआ ही नहीं। अरे हम वो कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, हम कार्यकर्ता हैं, हो सकता ना जानकारी हो, अगर पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई हो रही है, वो लोग जेल जा रहे हैं, उनकी उनकी सुनिए उनकी उनकी संपत्ति कुल कर की जा रही है, जो राजस्व का नुकसान हुआ है उनकी संपत्ति को कुल करके उनके उसका भरपाई की जा रहा है, और ऐसा हमारी सरकार में ही संभव है, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही संभव है। इससे पहले अभी एक भैया बता रहे थे भैंसे पे बैठा व्यक्ति संगठन देवी जो कि इंचार्ज हो जाता था, या तो यादव होता था या मुसलमान होता था, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो योग्य है वो जो योग्य है उसको पर्याप्त अवसर मिलेगा, उसको पर्याप्त व्यवस्थाएं मिलेंगी, और जो अयोग्य है और जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए दंड का प्रावधान माननीय योगी जी कर रखे हैं। हमारा ये 2013 में भी दरोगा की भर्ती निरस्त हुई थी भाई, 2019 में लोग बाद में ट्रेनिंग पर गए, 2013 की बात करिए, 2013 में BTC वाली स्थिति गंभीर हुई, बाद में अब लोग कोर्ट से जीत करके आए तब उनको नौकरी मिली। ठीक बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो दो साल पहले लखीमपुर जिसके लिए चर्चा में आया था, जो किसानों को कुचलने का जो कांड हुआ था, उसकी कुछ चर्चा है कि चुनाव में क्या क्या वो मुद्दा बन रहा है, क्या वो असर डालेगा? कोई मुद्दा नहीं, विधानसभा का चुनाव हुआ उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और लखीमपुर में 8 सीटों में सबसे अधिक मतों से वही सीट जीती। आप कह रहे साजिश है? बिल्कुल साजिश थी। क्या साजिश थी? साजिश क्या मतलब, मैं तो बेवकूफ बनाने लिए बात है कि वहाँ हुआ तो बताइए, जिसको भी आप कह रहे हैं कि मतलब कोई व्यक्ति था या नहीं था, वो तो नहीं था, कोई नहीं था, वो एक हादसा था। साजिश साजिश कोई मुद्दा नहीं है, भारी मतों जीत रहे हैं, कोई मुद्दा? आप लोग बताइए क्या हुआ सर? वो एक हादसा था। क्या हुआ था? कुछ किसान अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे, गाड़ियां आ रही थी, वो एक हादसे के तहत वो घटना घटी, कोई पूर्व नियोजित नहीं थी कि हमें उनको कुचलना है, वो एक हादसा था जिसकी जाँच चल रही है सर। तो कह रहे हो क्या वो चुनाव में मुद्दा बन रहा, इफेक्ट हो रहा है उससे? मुद्दा है इस जिले की छवि खराब हुई है उनके उस दोनों घटना, एक महिला वाला और एक ये, तो जो लोग इस जनपद के भला चाहते हैं, जो इस जनपद की छवि सुधारना चाहते हैं, उनके लिए वो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनकी पार्टी के सांसद हैं, पब्लिक के लिए वो मुद्दा है। इस मुद्दे का जवाब जनता सीधे सीधे वोट से देगी, कोई सामने पर नहीं देगा, वरना उसके लिए भी थार खड़ी रहेगी, ठीक है ना श्रीमान जी, उसके लिए भी थार खड़ी रहेगी, जो बोलेगा वो बोलेगा उस मुद्दे पे। आप जानते हैं, आपने आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत सारी वीडियो हैं, अगर गौर से आप देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा उनके खिलाफ, कोई नहीं बोले, लखीमपुर के बेताज बादशाह हैं, बेताज का है उनका ताज है और बहुत बड़े बाहुबली हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा भैया इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा,
सारी जनता जानती है, कौन बोलेगा आप बताओ, कौन बोले, क्या बोलना चाहिए? एक पचपेड़ी घाट का पुल नहीं बनवा पाए जो 70 किलोमीटर निघासन 70 किलोमीटर है लखीमपुर से। अगर यही पचपेड़ी घाट का पुल बन जाए तो केवल 26 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी उसकी, लेकिन कोई नहीं बोल पाएगा उसके लिए। क्यों नहीं बोल पाएगा ये मुझे? अगर कोई बोलेगा तो आप कैसे बोल रहे हैं भाई? आप कैसे बोल रहे हैं? हमने उतना ही तो बोला, उस चीज का जवाब आदमी वोट से देगा। क्या नाम है आपका? लिटिल गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग बोलते नहीं उनके खिलाफ, कैसे बोल देगा? क्या मुद्दे उनके खिलाफ जो बोलने चाहिए? अरे मुद्दे तो यही पचपेड़ी घाट को सबसे बड़ा पुल है, लगभग 50% पब्लिक उधर से आना जाना रहता है, 70 किलोमीटर की दूरी है निघासन से। अगर वो तीन बार बना है, तीन बार बाढ़ में टूटा है सर, ऐसा नहीं है। वो केवल पीपे का पुल बनता है? नहीं सर, पीपे का बना था एक परमानेंट बना है, टेम्परेरी सर, लकड़ी का भी बना। परमानेंट क्यों नहीं बना? परमानेंट इसलिए नहीं बना, वो भी हम बता रहे हैं। चारों तरफ सर टेक्निकल प्रॉब्लम है, रेती रेत है, नदी का पानी आता है उसमें। कई बार वहाँ पे पिलर खड़े करने का प्रयास किया गया लेकिन वो पिलर गिर गए सर। वो टेक्निकल है, इंजीनियर आएंगे। जैसे जो बोलने वाली बात की, अभी 10 दिन पहले एक सभा हो रही थी, उस गांव में ये पाइपलाइन वगैरह पानी की डाली गई थी तो वो उसमें भी पानी सप्लाई नहीं शुरू हुआ, तो एक समर्थक ही उनका था सामने बैठा हुआ था, उसने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा बैठ बैठ नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा। लगातार वो वीडियो वायरल हुआ, वायरल हुआ वीडियो इसी चुनाव का है। वो सर 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 वो ड्रिंक किए हुए थे, जो क्वेश्चन उठा रहे थे। अच्छा वो पर ऐसे बोल सर, हम एक चीज आपका वो वोट हमने सांसद है। अरे तो डांट लगाने के लिए सवाल पूछा था ना, सांसद है उसको ध्यान से कहा, सांसद से सवाल नहीं पूछ सकते? नशे में पूछेंगे यार, से कहा था प्यार से पूछेंगे? अभी मैं आपसे नशे में सवाल तो कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा नशे में कहां में पूछेंगे सर? वो नशे में पूछेंगे अभद्रता के लिए, सवाल पूछने के नाम पे अगर अभद्रता की जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार माफियागिरी के नाम पर जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो हमारे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो बदतमीजी करेगा उसको उचित परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो शराबी हो चाहे वो माफिया हो। सर लखीमपुर का किसान बाहुल क्षेत्र है, किसान क्यों वोट देगा भाजपा को, हमको ये बता दें। हम सपा को क्यों वोट दें या कांग्रेस को क्यों वोट दें, भाजपा को क्यों वोट दें? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, किसान का जो बेटा है वो हाईस्कूल इंटर पढ़ने के बाद एक दिशाविहीन हो जाता था कि हम कहां बड़े शहर में जाएंगे, क्या करेंगे। उसके साथ मोदी जी ने अग्निवीर की योजना दी, वो किसान का बच्चा आज दौड़ रहा है रोड पर। हमारे लोग के गांव के बाहर निकलते हैं तो 25-25 का ग्रुप दौड़ता है, वो केवल इसलिए दौड़ता है कि हम अग्निवीर में जाएंगे, 4 साल हम अच्छा कमाएंगे, 15-20 लाख तो मेरा कलेक्शन भी हो जाएगा, बाद में मेरी एक रास्ता खुल जाएगा, हम नौकरी पाएंगे। पहला कारण ये है। सारे नौजवान खुश हैं अग्निवीर से? बिल्कुल सर खुश है, हम लोग अपना बच्चा खुद भेजना चाहेंगे कि वो जाए, बिल्कुल भेजेंगे सर। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लखीमपुर के लोग, तमाम मुद्दे उठाए, तमाम मुद्दों की बात की, तमाम मुद्दों के तमाम सवालों के जवाब दिए, अपने सांसद और उनके कार्यकाल के बारे में जवाब दिए। तो ये बातचीत आपको जैसी भी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।